सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी मंडलायुक्तों जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे खुद व उनके अधीनस्थ सभी राजपत्रित कार्यकारी परिषदीय स्कूल प्राथमिक स्कूलों को गोद लें, जिससे उनका योगदान ऑपरेशन कायाकल्प को मिले, ताकि स्कूलों के स्वरूप और प्रवेश में बदलाव हो। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं का आधिकारिक नामांकन कराने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अप्रैल को श्रावस्ती जिले से इनका शुभारंभ कर चुके हैं। जिलों के सांसद, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों से स्कूल गोद लेने की अपेक्षा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। इस समय विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विभिन्न मानकों से संतृप्त किया जा रहा है, ताकि उनका प्रवेश आकर्षक बने। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परिचय पत्र में लिखा है कि इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराए जाने के लिए जिला विशेष शिक्षा अधिकारी व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों के साथ बैठकें करके नियमित रूप से समीक्षा करें। वहीं पर शिक्षकों को 6 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं उनको कैशलेस इलाज के लिए फर्म का चयन जल्द हो सकता है, इसके लिए चर्चाएँ चल रही हैं। राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के 6 लाख से अधिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। ये सुविधा देने के लिए सरकार संबंधित फर्म का चयन करने जा रही है। परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे 3 माह में पूरा करने की योजना बना रही है। वहीं विभिन्न जनपदों में सिर्फ निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, जिसको रोकने की मांग की गई है। तो यहाँ पर बलरामपुर का है मामला, निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों का शोषण न किया जाए। जिले के सभी विकासखंडों में शिक्षक छात्र अनुपात की विसंगतियों को दूर किया जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षकों का मानदेय प्रत्येक माह की 1 तारीख तक भुगतान किया जाए।